भाई ये तो किलोमीटरों लंबा जाम है इधर। मतलब ये कह रहा है कि मुंबई टू पुणे नहीं आओ भाई, ये वाला रूट मतलब दिल्ली से आ रहे हो तो वाया इंदौर आओ। भाई ये कौन से कहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं लोग, टनल के अंदर घुसते ही पार्किंग लाइट ऑन कर देते हैं, हजार्ड लाइट्स। इनका यूज होना चाहिए जब आपकी गाड़ी स्टॉल हो गई हो। भाई गोवा में बारिश को ढूंढ रहे थे, मिली है मुंबई आके। तो यार यहाँ पराठा नहीं मिलता है, ये उठाया। हाँ क्या बना हुआ है? शिवलिंग बना हुआ है। हाँ शिवलिंग जैसा है भाई वो पहाड़ बिल्कुल। तो भाई बना ही शिवलिंग हुआ है। मतलब हब है ये फैक्ट्रीज का, केमिकल फैक्ट्रीज का खासकर। भाई सुबह के 6:06 और एक और नया दिन और आज एक और नया डेस्टिनेशन अपने घर की तरफ। बोलो हर हर महादेव। चलो भाई लोनावला से चेकआउट कर दिया है होटल से, अब बढ़ रहे हैं मुंबई की तरफ। मुंबई में कहीं देखते हैं सुबह सुबह अपने को चाय मिल जाएगी बढ़िया सी, क्योंकि ये डिप वाली चाय में तो आता नहीं है मज़ा, तो वो चाय पियेंगे और फिर हम बढ़ेंगे गुजरात की तरफ। और आज भाई अपना जो स्टे होने वाला है वो होगा गुजरात में, अंकलेश्वर में स्टे करेंगे। लोनावला टू अंकलेश्वर है 400 किलोमीटर्स, तो 8 से 9 घंटे लगने चाहिए मैक्सिमम बड़े आराम से जाते हुए, तो मज़ा आएगा ड्राइव में। ये रूट बहुत ही बढ़िया रूट है, बस बशर्ते मुंबई में ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले, इसलिए अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल रहे हैं। तो एक बारी वो मुंबई क्रॉस हो जाएगा फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर वापी की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से गुजरात एंटर करेंगे। तो दिखाएंगे आपको रूट, फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से। और लोनावला में यार भाई बड़े बड़े बंगलो हैं लोगों के, बहुत बड़े बड़े। मेरे ख्याल में जो मुंबई वगैरह रहते हैं ना बहुत सुपर रिच, उनके बंगलोज यहाँ लोनावला में है, वो वीकेंड पार्टी वार्टी करने आते हैं पक्का, बहुत बड़े बड़े बंगलोज हैं। वैसे कुछ नहीं है, मतलब वेदर खैर ठीक है, फिर भी 24 डिग्रीज है सुबह सुबह। चलो खींचे गाड़ी अब एक्सप्रेसवे की तरफ जिस पे की भीड़ मिलेगी सुबह सुबह ट्रक्स की। चलो करते हैं कंटिन्यू। देख लो भाई इस ट्रिप में आखिरी बार लोनावला की सड़क है। और ये मगनलाल चिक्की, मेरे ख्याल में हमने कोई 50 दुकानें देख ली होंगी इसकी, हर जगह मगनलाल चिक्की लिखा हुआ है हर दूसरी दुकान पे, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। ये कोई लेक है शायद, बड़ी सी लेक दिख रही है ना पीछे, खंडाला आ गया ये मेरे हिसाब से, क्रॉसिंग खंडाला। और एक्सप्रेसवे पे चढ़ाया नहीं है यार, पता नहीं क्या चक्कर है, कहाँ से एंट्री कराएंगे एक्सप्रेसवे पे, ऐसे चलाए जा रहे हैं साइड साइड से। लो भाई गूगल तो फिर दूसरा ही बता रहा था, पुराने रास्ते से हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ ही गए। और ये एक्सप्रेसवे नाम का है यहाँ खंडाला के आसपास, तो देख रहे हो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है सुबह सुबह, दूसरी साइड तो भरा ही रहता है, बहुत हैवी मूविंग ट्रैफिक है इस पे। देखो कितना ट्रैफिक जाम है सुबह सुबह। मुंबई इज 80, ये कितना लंबा जाम लगा हुआ है यार सुबह सुबह। लास्ट ईयर भी ये दूसरी साइड वाला ही जाम भरा हुआ था पूरा, और सुबह का टाइम हुआ है 6:30। भाई ये तो किलोमीटरों लंबा जाम है इधर, मतलब ये कह रहा है कि मुंबई टू पुणे नहीं आओ भाई, ये वाला रूट मतलब दिल्ली से आ रहे हो तो वाया इंदौर आओ पुणे वाली साइड और गोवा और वापसी यहाँ से करो। ये तो कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है सुबह 6 बजे, सारे दिन ही जाम रहता होगा फिर तो यहाँ।
तैयारी। यस शाबाश। ट्रेनिंग लेके आए लोग, टनल के अंदर घुसते ही पार्किंग लाइट ऑन कर देते हैं, हजार्ड लाइट्स। क्या लॉजिक है अपने को तो समझ में नहीं आया है। पता नहीं कौन से ड्राइविंग स्कूल में सीखा है। मैंने महाराष्ट्र की काफी गाड़ियों में देखा, आगे भी जा रही है एक और, पुणे कल वहां से आ रहे थे टनल में, उधर भी देखा था। पता नहीं क्या सिस्टम है ये, इनका यूज होना चाहिए जब आपकी गाड़ी स्टॉल हो गई हो, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा गाड़ी रुकी हुई है कि चल रही है, पीछे से बंद हो। देखो कर ली बंद, टनल से बाहर निकलते भाई साहब ने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पनवेल पहुंच गए हैं भाई, शायद पनवेल ही है। इतने फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ, अभी भर भर के फ्लैट हैं भाई। नवी मुंबई पहुंच गए हैं, ट्रेन भी दिख गई। नवी मुंबई पहुंच गए हैं, अभी तो कोई इधर ट्रैफिक नहीं है। नवी मुंबई से थाने की साइड निकलते हैं, रास्ता याद है मुझे, मुंबई स्किप कर जाएंगे, साइड साइड से निकल जाएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलना चाहिए नहीं। अभी आईकिया का भी स्टोर आता है शायद यहीं पे। हाँ ये क्या बना हुआ है, शांति स्तूप टाइप है कोई कुछ, बुर्ज खलीफा जैसे लग रहा ऊपर से, मतलब कुछ भी। भाई नया रूट ले लिया है, मुंबई की तरफ से जा रहे हैं, 5 मिनट बचेंगे। समझ रहे हो आप, 5 मिनट सोच रहे हो, 5 मिनट फास्ट है मुंबई वाला रूट तो वो ले रहे हैं थाने की बजाय। देखते हैं बाकी कैसा कुछ रूट रहता है। मुंबई 33 किलोमीटर। बिल्डिंग देखो सामने वाली कैसी अजीब सी है भाई। सुबह सुबह इस मुंबई के आसपास आने का फायदा देखो, रोड्स बिल्कुल खाली हैं, जाम लगेगा उससे पहले मुंबई क्रॉस कर जाएंगे। और मुंबई क्रॉस करने पे फाउंटेन होटल आता है ना, वहाँ जाम लगता था पहले तो, अब शायद वहाँ लास्ट ईयर तो फ्लाईओवर बन रहा था, देखो कंप्लीट हो गया होगा तो। बार तो भाई बिल्कुल ही अलग रूट बता दिया, शांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड पे चल रहे हैं फिलहाल, पता नहीं है गूगल मैप्स को फॉलो कर रहे हैं। भाई गोवा में बारिश को ढूंढ रहे थे, मिली है मुंबई आके, देखो हो गई है स्टार्ट। और वेदर लग भी रहा है, क्लाउडी था ही सुबह से, जहाँ से चले हैं लोनावला से वहाँ पे भी क्लाउडी था। पता नहीं कौन कौन से इलाकों से चल रहे हैं, बट ये एरिया अच्छा है, काफ़ी लंबा फ्लाईओवर चल रहा है बहुत देर से, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं भाई। चढ़ गए हैं अपन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, जोगेश्वरी अंधेरी गोरेगांव स्ट्रेट है और एयरपोर्ट का भी यही रास्ता है। और ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया भाई, रेड लाइट्स पे जाम होने लगना शुरू हो गया ऑलरेडी। मच 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 लेटर। देखो ये रहा वो फाउंटेन है ना, इस होटल का नाम ये दिख रहा है ऊपर, यहाँ बहुत गंदा जाम लगता था भाई। हाँ हॉट एयर बलून है उधर, यहाँ बहुत गंदा जाम लगता था भाई। पिछले साल फ्लाईओवर का काम चल रहा था, इस बार चालू हो गया है। लास्ट टाइम हम इधर से आए थे राइट साइड से फाउंटेन से थाने से, और ये इधर व्यू आता है बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन ने कहीं पे वड़ा पाव खाए थे फिल्टर कॉफी के साथ। ये देखो भाई साहब इधर देखो व्यू, हो जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई। देखो वो जा रही ना फेरीज वगैरह, सी ट्रांसपोर्ट के लिए है ये रूट बनाया हुआ है। देखते हैं भाई कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, 8:30 हो गए, मुंबई में ट्रैफिक था हल्का फुल्का, टाइम लग गया क्रॉस करने में, बट पूरा ही मुंबई निपटा दिया वेस्टर्न एक्सप्रेस वे रूट से। अब ढूंढते हैं कुछ बढ़िया सा खाने का, यहीं रुक गए भाई।
वोल्टन काठियावाड़ी, देखते हैं क्या मिलता है, क्या हाल है गाड़ी का। चलो फोर व्हीक रुको। A few moments later. तो भाई एक तो यार यहाँ पराठा नहीं मिलता है, पहले पीछे भी नहीं मिल रहा था कहीं पुणे के आसपास भी, पराठा बहुत कम मिलता है यहाँ पे, सब साउथ इंडियन ही खाना मिल रहा है, वड़ा या फिर इडली डोसा सांभर ऐसी चीजें, हाँ या पोहा मिल रहा था, मतलब पराठा नहीं है यार, बेसिक पराठा तो रखो भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रूट ये भी सीन ही क्या भाई, पहाड़ हल्के फुल्के इधर भी हैं, वेदर तो अच्छा हो ही रहा है, व्यूज भी बढ़िया हो रहे हैं। विरार रह गया 23, ये क्या है भाई, शिव साई, इस पर देख लेते हैं। आओ मिसल पाव देखें क्या चीज है, सेम है तो। ओ भाई क्या बढ़िया व्यू शुरू हो गए हैं भाई साहब, कोई नहीं चाय नहीं मिली तो व्यूज ही देख लें। चलो भाई इतना टाइम वेस्ट हो गया ढाबे पे, एक घंटे में चाय नहीं बनी इनसे, लड़ झगड़ के निकला हूँ अब यहाँ से, फालतू तो टाइम वेस्ट कर लिया, अब किसी टपरी पे रोकूंगा चाय के लिए, 5 मिनट में जहाँ चाय मिलती होगी। अब समझ में आया भाई साहब, ट्रेलर पूरा टॉपल हो गया है, पूरा पलट गया ट्रेलर, मतलब भयंकर भाई, ये तो ड्राइवर की साइड पलटा है, और ड्राइवर की साइड, ड्राइवर अगर बाहर ना निकला होगा तो बच गया होगा, वरना तो भाई साहब ये उठाया आगे का पार्ट। हाँ हाँ क्रेन, दो क्रेन्स हैं, दोनों लगी हुई हैं आगे पीछे से भाई, अभी टेढ़ा हुआ है बस ये। ये है भाई कंटेनर तो, हाँ हाँ ये ट्रक ही है साथ में इसके, कंटेनर के साथ ये डिसबैलेंस हो गया भाई, पूरा गया भाई काम से ये तो, ड्राइवर बच गया हो भाई बस, बट ये आई थिंक ज्यादा तेज स्पीड में डिसबैलेंस हो गया इसलिए पलटा है ये, तभी फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ते वक्त पलटा है। काफी अच्छी इमेजिनेशन है तुम्हारी। क्या बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है, हाँ शिवलिंग जैसा है भाई वो पहाड़ बिल्कुल, उसको भाई बनाई शिवलिंग हुआ है, बनाई हुआ है, बहुत ही बढ़िया सीनिक रास्ता है भाई, वापी अभी आया नहीं है, बहुत ही बेहतरीन रास्ता है ये वाला भी, और अब ट्रैफिक कम हो गया है, जैसे ही हम दूर हुए मुंबई से वसई क्रॉस करने के बाद तो आपका ठीक ठाक हो गया है रोड भी, और भीड़ भी नहीं है तो मजा आ रहा है ड्राइव में, बस अभी चाय नहीं मिली अपने को तो मेरा ऑक्सीजन लेवल हो रहा है कम। क्या बोला तूने? A few moments later. भाई ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं यार, चाय अब मिली है, और वो भी देखो कहाँ मिली है, छोटी सी टपरी ढूंढी है एक, जहाँ चाय पियेंगे
थक गए यार बैठे बैठे, बोर हो गए, चाय के बिना अपना ऑक्सीजन डाउन चला जाता है। या हल्के भी हो सकते हैं भाई, खुलना पड़ा है बिल्कुल। रोड बहुत चौचक है भाई, बहुत जबरदस्त रोड है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये ना देखो हीरो, अंदर हो लो अंदर, गिरोगे आगे। साइज वही है कप का भाई, यहाँ कोई चाय नहीं पीता क्या? पिछले साल भी देखा था ये साइज के कप है। बताओ यार, ऐसे में अपने ये कप आई थिंक 3 से 4 कप भरेंगे जो एक मग बनता है चाय का अपना। चाय फिर भी ठीक है, चलो पी पा के चलते हैं भाई। अलग ही पहाड़ है इधर पे, बहुत अलग ही पॉइंटेड से अजीबो गरीब से हैं। नॉर्मल माउंटेन जैसे नहीं है यहाँ पे। नासिक के आसपास भी थे बट यहाँ थोड़े से और अजीब हैं। अलग ही अलग टाइप के टेरेन हैं इंडिया में ही पूरा। अगर नॉर्थ टू साउथ रोड ट्रिप करो आप या वैसे वर्षा साउथ टू नॉर्थ, तो आपको डिफरेंस फील होगा टेरेन में चेंज होते हुए। कर्नाटक गोवा इतनी ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी, इतनी ज़्यादा अल्टीमेट ग्रीनरी। और फिर वहीं पे आप आ जाओगे गुजरात की तरफ और राजस्थान की तरफ, फिर आपको मिलेंगे खुले मैदान, गर्मी दबा के आपको फील हो जाएगा आप थार डेजर्ट टाइप एरिया में चल रहे हो। फ्लैग लगा हुआ है तो ऊपर भाई मंदिर होगा पक्का कोई, वो जो बिल्कुल पॉइंटेड है पीछे, इस पे फ्लैग लगा हुआ है। इस पे कौन चढ़ जाता है भाई, तो बड़ा ही पॉइंटेड है। होटल जलाराम काठियावाड़ी, चलो यार यहाँ से ना अचार लेके चलेंगे। हाँ यहीं से लिया था अचार, बहुत ही बढ़िया अचार था लास्ट ईयर जो लिया था, तो लेके ही चलेंगे। बहुत फेमस है यहाँ, अंदर भी पार्किंग है इनकी पीछे। सेम लेक्सस, ए लिटिल लॉन्गर देन अ फ्यू मिनट्स लेटर। चलो भाई यहाँ से निकल लिए, क्या था होटल जलाराम काठियावाड़ी, और अपनी शॉपिंग हो गई है। अचार ले लिए हैं, गुजराती अचार बहुत ही बढ़िया था, लास्ट ईयर ट्राई किया था, तो सोचा इस बार इधर रूट पे फिर से आ रहे हैं तो लेके चलेंगे। तो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से 8 किलोमीटर पहले है ये, और भाई लोग दबा दब खा रहे थे। बहुत सारा मतलब ऑप्शंस भी बहुत सारे अंदर शॉपिंग वगैरह के, और घर का सामान मतलब खाने पीने का ऑब्वियसली स्नैक्स वगैरह गुजराती टेस्ट वाले, तो वो सब है अवेलेबल यहाँ पे। वापस गुजरात में एंटर करते हैं और देखते हैं वहाँ पे अपनी चेकिंग होती है कि नहीं, क्योंकि कई बार करा लेते हैं गाड़ियों की चेकिंग, वैसे दिन में कम ही करते हैं इधर से चेकिंग, रात को तो कर ही लेते हैं ये, बट देखते हैं बताएंगे आपको। थैंक यू। तो अभी फिलहाल गुजरात में एंटर करते हैं, अपनी 8वीं स्टेट है भाई इस ट्रिप की, 8th स्टेट। करते हैं भाई ड्राइव को, दोपहर 3-3:30 बजे तक हम मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएंगे अपने होटल अंकलेश्वर में, जो कि यहां से है अभी और 200 किलोमीटर आगे भाई, महाराष्ट्र चेक पोस्ट अहेड। कर लिया ऑफिशियली गुजरात में एंटर। अगर मैं आपको दिखाऊं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस ट्रिप सो फार, 3,011 किलोमीटर ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी हम घर से हैं एटलीस्ट आई थिंक 1100 से 1200 किलोमीटर।
तो अपनी ये पूरी ट्रिप होगी 4000 प्लस किलोमीटर्स। बहुत ही ताबड़तोड़ गाड़ी चलाई है भाई इस बार, और अभी भी दो दिन और हैं। कल उदयपुर पहुंचेंगे और देन परसों पहुंचेंगे अपने घर दिल्ली में। तो अभी काफ़ी सफ़र बाकी है, करीब 1200 और आज का 170, अभी तो 1400 किलोमीटर के करीब अपना बाकी है डिस्टेंस कवर करना। यहाँ से सूरत है भाई 133 किलोमीटर्स, और सूरत क्रॉस करके आता है अंकलेश्वर, जहाँ हम नाइट हॉल्ट करेंगे नर्मदा रिवर के पास, और शाम को टाइम बचा तो नर्मदा रिवर के बैंक पे, रिवर बैंक पे जाएंगे। और नया जो ब्रिज मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था आई थिंक 2-3 साल पहले, उस पे से जाएंगे हम। नर्मदा ब्रिज है जिसका नाम, उसको क्रॉस करेंगे, देखेंगे रात को लाइटनिंग उस पे होती है कि नहीं। लाइटनिंग नहीं, लाइटिंग, तुमसे ना हो पाएगा लाइटिंग। चलो अभी तो भाई फिलहाल अभी आज का होटल भी दूर ही है, 3 घंटे है, एक ब्रेक और लेना पड़ेगा अपने को, लंच ब्रेक कहीं ना कहीं, फिर ही होटल पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन यहाँ से सिर्फ 53 किलोमीटर्स है अंकलेश्वर, और खाने पीने का तो बहुत ऑप्शंस हैं। पीछे फूड कोर्ट था, हल्दीराम्स खुल गया उसमें, ये मैकडॉनल्ड्स हैं यहाँ पे, लास्ट ईयर तो इतने सारे तो नहीं थे, बट अब बहुत ऑप्शंस हैं खाने पीने के। और रोड तो भाई है ज़बरदस्त, ट्रैफिक ज़रूर है चलता हुआ, बट बढ़िया हाईवे भाई, मज़ा आ जाए ड्राइव में। और टेम्परेचर है 36, गाड़ी के अंदर तो मस्त 24 मेंटेन करके चल रहे हैं मज़े से, और अभी तक चाय का ब्रेक नहीं लिया है भाई, ऐसे ही चले जा रहे हैं बिल्कुल। चाय की टपरी पे रोकने का मन करता है, दिखती नहीं है कोई, सब जगह आम ही आम रखे हैं यहाँ गुजरात में घुसते ही। यहाँ लगता है चाय भाई कम पीते हैं लोग। फाइनली पहुंच गए हैं अंकलेश्वर, ये लगा हुआ बोर्ड 2:43, 3:15 हैं, नॉन स्टॉप आ रहे हैं भाई, लास्ट शायद 210-215 किलोमीटर से नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अब अपना होटल ये हाईवे से छोड़ के राइट में 1 किलोमीटर पे है, तो होटल चेक इन करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, चाय मंगवाएंगे भाई। तो करना परेशान हो गए हम लोग, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है बॉडी में, सुबह से एक कटिंग चाय पी है बस, बाकी भाई बहुत बड़ा शहर है ये, बहुत बड़ी सिटी है, और यहाँ पे मतलब हब है ये फैक्ट्रीज का, केमिकल फैक्ट्रीज का, खासकर हर तरफ फैक्ट्री फैक्ट्री खुली हुई है यहाँ पे,
चलो पहुंचते हैं होटल फटाफट। आज ताबड़तोड़ गर्मी है यार, 250 यहाँ गाड़ी बिल्कुल सटा के लगा दी है। बस चलो करते हैं भाई रूम में चेक इन, होटल सिल्वर लीफ दिखाते हैं कैसा रूम है।